दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग इतने बेकार हैं, वो खुद साधु और संत हैं और सेवक हैं बहुत बड़े। ऐसा हकीकत में नहीं है। आप देखिएगा, कुछ दिन पहले, जिनको 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी गाली देते थे, भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको डिप्टी CM बना दिया जाता है। 2 दिन बाद जो है ED CBI जो है वो भेज दिया जाता है, छापे मारे जाते हैं, फिर उस नेताओं को भाजपा में ले लिया जाता है, और भाजपा में आने के बाद जो है क्लीन चिट मिल जाता है एजेंसियों द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड बात करते हैं, जो इनको प्रचार तंत्र जो इनका BJP का देता है वही पढ़ते हैं, वही बोलते हैं। तानाशाही जिस प्रकार से देश में चल रही है, जिस प्रकार से अघोषित इमरजेंसी लागू कर दिया गया है, और चुनाव में जो लोग सत्ता में बैठे हैं चाहते ही नहीं है कि विपक्ष जो है मैदान में रहे, और इसके लिए अपनी एजेंसियों को जो है पूरी तरीके से पूरे देश में हर विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया जा रहा है ताकि उनको साफ मैदान मिल जाए। लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि जनता जो है वो असली मालिक है, और जनता जो है सब चीज़ देख रही है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, मुद्दा है बेरोज़गारी है, महंगाई है, गरीबी है, और हम लोग भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मुद्दे की बात करें, गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, क्या विकास किया है इस पर वो बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि घिसी पिटी जो पुरानी बातें हैं वही रटे जा रहे हैं। जब से 2014 से लगातार अब तक उन्हीं चीज़ों को दोहराया जा रहा है, लगातार वो दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग इतने बेकार हैं, वो खुद साधु और संत हैं और सेवक हैं बहुत बड़े। ऐसा हकीकत में नहीं है। आप देखिएगा, कुछ दिन पहले, जिनको 2 दिन पहले 2 दिन बाद जो है ED CBI जो है वो भेज दिया जाता है, छापे मारे जाते हैं, फिर उस नेताओं को भाजपा में ले लिया जाता है, और भाजपा में आने के बाद जो है क्लीन चिट मिल जाता है एजेंसियों द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है इस देश में। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोज़गारी का है। रामलीला मैदान में भी हमने आंकड़े जो है वो पेश किए थे कि बेरोज़गार सबसे ज़्यादा युवा है, उसमें भी जो युवा जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो गाँव में बसते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं। और ये जो सर्वे आया है, कहाँ से सर्वे हम लाए ये भी बताएं। तो इस पे बात होनी चाहिए। मोदी जी 2 करोड़ रोज़गार की बात करते थे, हर साल देंगे, क्या हुआ उस वादे का, क्या हुआ? पिछले चुनाव में चौकीदार थे, लेकिन मेहुल चौकसी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, कौन कौन भागा, लेकिन अब उनका मोदी जी जिक्र नहीं करते। वो तो भ्रष्टाचारी है ही नहीं मोदी जी के लिए, असल में वही परिवार है मोदी जी का। तो इसलिए हम लोग जनता के बीच हर जगह, पहला रैली पटना में, दूसरा बॉम्बे में और दिल्ली में हम लोग जुटे हैं, और जिस प्रकार से सिटिंग CMs को उठाया जा रहा है तो आप देख ही रहे क्या माहौल बनाया जा रहा है। तो लेकिन ये तानाशाही जो है लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, इसलिए मोदी जी जो मुद्दे हैं उस पर बात करें। देश में गरीबी कितनी ख़त्म हुई है, लगातार जो है गरीब जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, इस पे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। नौकरियां समाप्त की जा रही हैं, सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। आज चीन का बॉर्डर देख लीजिए, वो सुरक्षित नहीं है, चीन की सेना घुसे जा रही है, लेकिन मोदी इस पे कुछ बात नहीं करते। महिला पहलवान के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उन्हीं के पार्टी के लोग करते हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। मणिपुर में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ, 2 कौम जो है लड़ रही है, लेकिन उस पर वहाँ जा कर के शांति की अपील नहीं कर सकते, क्या वो उनका ये परिवार नहीं है? तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड बात करते हैं, जो इनको प्रचार तंत्र जो इनका BJP का देता है वही पढ़ते हैं, वही बोलते हैं। बिहार में सब कुछ ठीक है, क्योंकि बताया जाता है कि इंडिया अलायंस एक पटरी पर नहीं चल रही है, बिहार में सिर्फ बंटवारों को लेकर कुछ कौन हो, तो गोदी मीडिया का काम है, जो मोदी जी बोलेंगे वो बोलेंगे। हमारे अलायंस का नाम इंडिया अलायंस है, लेकिन मोदी जी बोलते हैं इंडिया नहीं, इंडिया अलायंस बोलते हैं, उसी को गोदी मीडिया इंडिया अलायंस बोलती है। अरे नाम तो बोल लो हमारा, हम इंडिया अलायंस है। इंडिया नाम लेने में शर्माना और डरना किस बात का? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।